आज हमारे पास है टाटा की नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2023 वाला मॉडल, और यहाँ पे ये वाला कलर जो है वो नेक्सॉन को नया दिया गया है। अब यहाँ पे DRL जो है वो इस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और इंडिकेटर जो ब्लिंक करता है वो भी इसमें इसी तरह से यहाँ पे ब्लिंक करता है। अब यहाँ पे नीचे हेडलाइट जो है वो हमें LED में मिलती है, मतलब हाई बीम और लो बीम दोनों के लिए यहाँ पे हमें LED में प्रोजेक्टर लाइट दी गई है, और नीचे यहाँ पे दो आइस क्यूब की तरह फॉग लैम्प भी देखने को मिलते हैं जो कि कॉर्नरिंग लैम्प का भी काम करते हैं, और यहाँ पे हमें थोड़ा गैप देखने को मिलता है एरोडायनामिक डिजाइन के लिए। फ्रंट में हमें यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो यहाँ पे हमें फ्रंट में भी कैमरा देखने को मिलता है, और दो पार्किंग सेंसर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे नेक्सॉन की साइड प्रोफाइल जो है वो आपको पुरानी वाली नेक्सॉन जो है उसी की तरह यहाँ पे मिलेगी, पर हालांकि डिजाइन जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है, मतलब आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स जो है उसके डिजाइन भी आपको काफी डिफरेंट देखने को मिलती है और काफी सही भी लगते हैं। जब टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल जो हमें मिलती है वो है 21560R16, मतलब यहाँ पे 16 इंच के हमें एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्सॉन फेसलिफ्ट के डायमेंशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे नेक्सॉन की लेंथ जो है वो मिलती है हमें 3995 mm, नेक्सॉन की विड्थ है 1804 mm, नेक्सॉन की हाइट है 1620 mm, नेक्सॉन का व्हील बेस जो है वो हमें मिलता है 2498 mm, और नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिलता है 208 mm, मतलब सेगमेंट में आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस नेक्सॉन में मिल रहा है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है यहाँ पे नेक्सॉन में। तो यही थे नेक्सॉन के डायमेंशंस। अब जैसे नेक्सॉन में हमें फ्रंट में वेलकम फीचर मिलता है, उसी तरह यहाँ पे रियर में भी जो है वो लाइट उसी तरह से ब्लिंक करती है। हम चेक कर लेते हैं, फिर हम कार को लॉक करते हैं। अब कार को अनलॉक करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपको ये सेगमेंट में इतनी प्राइस पे जो चीज मिल रही है कार को काफी फ्यूचरिस्टिक बना देती है। यहाँ पे नेक्सॉन जो है वो रियर से भी काफी डिफरेंट लगती है, मतलब यहाँ पे डिजाइन जो है वो आपको कनेक्टिंग लाइट वाला मिलने वाला है और काफी डिफरेंट लगता है। यहाँ पे आपको लाइट जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे पूरी जलती है, और यहाँ पे हमें हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। पहले हमें यहाँ पे मिलता था, उसकी जगह पे अब हमें यहाँ पे मिल रहा है, और वाइपर जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा जैसे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में मिलता है उसी तरह से। डिफॉगर हमें यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे हमें शार्क फिन एंटेना भी देखने को मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग लाइट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पीछे हमें दो पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे टाटा का लोगो, और यहाँ पे हमें रिवर्स कैमरा भी देखने को मिल जाता है। अब नेक्सॉन की बूट के बारे में बात करें तो बूट जो है वो यहां से नहीं पर यहां से ओपन होती है। यहां पर नेक्सॉन में हमें 382 लीटर की बूट स्पेस देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी है, मतलब पहले से थोड़ी बड़ी की गई है। यहां पे दोनों साइड हमें 33 केजीस के हुक्स देखने को मिलते हैं, और यहां जो है वो हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है, और यहां पे हमें नीचे स्पेयर व्हील जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जो कि इसकी साइज है 195/60R16, मतलब यहाँ पे भी हमें 16 इंच का ही स्टील व्हील देखने को मिल जाता है। ऊपर हमें पार्सल ट्रे भी मिल जाती है, और लैम्प जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्सॉन की रियर डोर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें बड़ा सा ग्लास एरिया देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्रोम में डोर हैंडल, पावर विंडो की स्विच मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो है वो पियानो ब्लैक में फिनिश दी गई है। यहाँ पे है कुछ स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए। यहाँ पे हमें 4 ट्विटर और 4 स्पीकर की हार्मन की साउंड सिस्टम हमें ये वाले वेरियंट में देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे नेक्सॉन की फ्रंट डोर की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छा खासा हमें ग्लास एरिया देखने को मिलता है। यहाँ पे सेम हमें क्रोम में डोर हैंडल मिलता है। यहाँ पे 4 पावर विंडो की स्विचेस, जो कि आपको ड्राइवर साइड जो है वो ऑटो अप और ऑटो डाउन के साथ मिलेगी, यहाँ पे विंडो को लॉक करने के लिए।
और मिरर्स के कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी हो जाएगा और इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ बॉटल रखने के लिए बॉटल होल्डर भी मिल जाएगा और यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। अब यहाँ पे नेक्सॉन की रियर सीट के बारे में बात करें तो यहाँ जो है वो कैबिन काफी प्रीमियम लग रही है, मतलब सीट्स की बात करें या कुछ भी, हमें यहाँ पे सीट भी काफी कंफर्टेबल लग रही है। यहाँ पे थाई सपोर्ट भी आपको एक्स्ट्रा दिया गया है ये दोनों सीट पे, तो यहाँ पे लेग रूम और थाई सपोर्ट की तो कोई कमी है ही नहीं। यहाँ पे आपको हेड रूम जो है वो इतना मिलेगा। दोनों साइड आपको डोर सॉरी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे, वो भी हुक के साथ। और यहाँ पे आपको बीच में आर्म रेस्ट भी मिल जाएगा दो कप होल्डर के साथ, और दो पर्सन के लिए यहाँ पे दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सेफ्टी पे सेफ्टी के लिए तीन पर्सन के लिए आपके तीन सीट बेल्ट भी मिल जाएंगे। बीच में आपको यहाँ पे रियर एसी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक साइड जो है वो यूएसबी सॉकेट मिलेगा और इस साइड पे आपको सी टाइप, और नीचे जो है वो हम को नाके बराबर ही है, मतलब यहाँ पे कोई तीसरे पर्सन को प्रॉब्लम होने वाली चीज नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ओवरऑल काफी प्रीमियम बनाई गई है नेक्सॉन की रियर सीट्स। अब नेक्सॉन के इंटीरियर के बारे में बात करें तो पहले तो हमें यहाँ पे कीलेस एंट्री के लिए यहाँ पे बटन मिल जाता है। अब यहाँ पे फ्रंट में हमें सीट्स एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे हमें हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है और सीट को रिक्लाइन करने के लिए। और हाँ, आपको यहाँ पे फ्रंट दोनों सीट्स जो है वो आपको वेंटिलेटेड मिलती है, तो यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। अब अंदर से कुछ इस तरह से आपको नेक्सॉन का इंटीरियर दिखता है जो कि काफी प्रीमियम लग रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा कार को चालू करके देखते हैं, तो ये आपने देखा ना, इल्यूमिनेटेड आपको यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है और ये काफी प्रीमियम लगती है ये चीज। और यहाँ जो है इस साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल के मतलब स्विचेस मिल जाएंगे कंट्रोल करने के, क्रूज कंट्रोल को, और यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको। और बटन्स की क्वालिटी जो है वो यहाँ पे काफी सही दी गई है। यहाँ पे इस साइड पे लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं और यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल, और आपको हॉर्न जो है वो यहाँ से प्रेस करके बजाना होगा। और आपको यहाँ पे टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील टाटा नेक्सॉन में अब मिलता है जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक दिखता है। और डिस्प्ले जो है आपको पूरी 10.25 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि काफी सही इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। और जैसे ही आप यहाँ पे गाड़ी में आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है वो आपको यहाँ पे वायरलेसली मिलते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे गूगल मैप अपना आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे, आपको पूरी डिस्प्ले में आपको मैप यहाँ पे दिख जाता है, मतलब जैसे ऑडी बीएमडब्ल्यू में आपको मिलता है उसी तरह सेम आपको यहाँ पे इतनी प्राइस में ये कार में ये फीचर आपको मिल रहा है जो कि काफी सही चीज है टाटा के लिए। अब यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे 10.25 इंच की डिस्प्ले आपको मिलती है उसी तरह यहाँ पे भी आपको 10.25 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि ये भी हमें टाटा हैरियर और सफारी में जो मिलती है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे हम एक बार 360 डिग्री कैमरा चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे कैमरा की क्वालिटी जो है वो काफी सही है। आपको यहाँ पे ये 2D में 3D में देखना है तो 3D में भी आपको पूरा सराउंड देखने को मिल जाएगा क्योंकि बहुत ही सही क्वालिटी है। वैसे हम टाटा को बहुत बदनाम कर रहे थे कि उनका कैमरा सही नहीं है, पर इस बार टाटा ने बहुत ही अच्छा काम किया है और कैमरा की क्वालिटी मैं बहुत ही सही बोल रहा हूँ यहाँ पे। आप ऐसा हो तो खुद भी आके ट्राई कर लेना, पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी यहाँ पे कैमरा की दी गई है और 360 की वजह से आपको बहुत सारे एंगल यहाँ पे मिलते हैं। ये जो है हमें फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये पर्पल कलर की वजह से आपको ये वाली थीम जो है
वो देखने को मिल जाती है। हालांकि ये आपको थोड़ा सॉफ्ट टच में देखने को मिलेगा, यहाँ पे सब आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। अभी यहाँ जो है वो एसी के वेंट्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे हमें और ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा आपको पर्स या कुछ रखने के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। इस साइड पे हमें पुश स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है, और यहाँ जो है वो पूरा आपको टच सेंसर में दिया गया है, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी बटन नहीं मिलते है। हालांकि आपको हजार्डस लाइट जो है वो भी यहाँ से सेंसर से ही प्रेस करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे प्रेस भी नहीं करना है आपको, ओनली टच करना है। कार की बूट जो है वो ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे दी गई है, और 360 डिग्री व्यू देखने के लिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, एसी के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। यहाँ पे भी वैसे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। वैसे ये एयर प्योरीफायर है, ये जो है वो काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है यार, मतलब ये प्राइस पॉइंट पे ये ऐसी कार में आपको ये सारी चीजें मिलना बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब कोई आपकी कार में बैठेगा तो बोलेगा कि क्या कार ले ली है। अभी यहाँ पे हमें हमारे पास है 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स वाली कार, और नीचे यहाँ पे हमें मिलता है यूएसबी सॉकेट और सी टाइप सॉकेट, या यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी हमें देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ जो है वो हमें मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, सिटी मोड, इको मोड और स्पॉट मोड। Sport Drive Mode जैसे ही मैं activated. मोड चेंज करूंगा यहाँ पे मोड चेंज होंगे, City Drive Mode आपको यहाँ पे दिखेगा। activated. Economy Drive Mode activated. और यहाँ जो है वो हमें वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये जो है मैन्युअली हैंड ब्रेक, और आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको छोटी सी स्पेस देखने को मिल जाती है। अभी यहाँ ऊपर बात करें तो हमें ऑटोमेटिक, मतलब सॉरी ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। यहाँ पे हमें LED रीडिंग लाइट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे SOS का बटन दिया गया है, और सनरूफ जो है यहाँ पे मिल जाता है हमें, कुछ इस तरह से यहाँ पे सनरूफ जो है वो ओपन होगा। यहाँ पे भी कुछ हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो शो हो जाती है, और सनसेट पे यहाँ पे हमें वैनिटी मिरर देखने को मिलता है, और इस साइड पे हमें टिकट होल्डर। अभी यहाँ पे ग्लोव बॉक्स की बात करें तो ग्लोव बॉक्स जो है वो यहाँ पे टाटा पहले से ही काफी सही बनाती है, मतलब यहाँ पे आपको एक टाइगर का लोगो दिखेगा, दो कप होल्डर मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे पेन होल्डर भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको टैबलेट होल्डर भी मिल जाएगा। तो ये काफी प्रैक्टिकल यहाँ पे हमको ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे टाटा नेक्सॉन हमें ये जो फेसलिफ्ट है, यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स जो मिल जाते हैं वो है हमको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स भी मिल जाती है, मतलब बेस वेरिएंट से ही हमें यहाँ पे 6 एयरबैग्स देखने को मिलती है, ABS प्लस ABD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, और ओवर स्पीड वार्निंग, मतलब यहाँ पे आपको 80 की स्पीड पे एक बीप सुनाई देगी, और 120 की स्पीड पे कंटिन्यूस बीप यहाँ पे चालू ही रहेगी। तो ये जो थे कुछ टाटा नेक्सॉन के सेफ्टी फीचर्स। यहाँ पे टाटा नेक्सॉन में हमें 44 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें नेक्सॉन फेसलिफ्ट में जो ये वाला वेरिएंट है वो पेट्रोल में है, तो ये वाला इंजन जो दिख रहा है आपको वो पेट्रोल इंजन है। तो यहाँ पे हमें जो इंजन मिलता है वो है 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है वो 118 PS का पावर 5500 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है वो है 170 Nm का टॉर्क 1750 RPM पे। तो ये थे कुछ नेक्सॉन के पेट्रोल इंजन के स्पेसिफिकेशंस। तो अगर आप सूरत से हैं और आपको टाटा की कार के लिए इंक्वायरी करना है, स्पेशली नेक्सॉन के लिए, तो आप सूरत में प्रमुख टाटा मोटर्स में विजिट कर सकते हो। शोरूम की सारी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे जो है वो मैं आपको दे दूंगा इस साइट पे।
यार अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही नई नई कार के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय, ड्राइव सेफ।